क्या हमारे ट्रैवल चिप रोमर एज कभी AEW कंपनी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डीन एम्ब्रोस जैसे बहुत सारे रेसलर AEW कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ जिंदर महल क्या फिर से WWE के अंदर WWE चैंपियन बन सकते हैं एक बार फिर से, आइए हम जानते हैं सारा कुछ आज के इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत कमाल के क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के अंदर, तो भाई रिक्वेस्ट आप लोग सारे लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला सवाल प्रो की तरफ से निकल कर सामने आता है, जिनका सिंपल ये सवाल है कि क्या WWE कंपनी फ्यूचर में AEW कंपनी के साथ कोलैब कर सकती है, और अगर WWE कंपनी AEW कंपनी दोनों अगर कोलैब कर जाती है तो क्या होगा। तो भाई देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, WWE कंपनी AEW कंपनी दोनों के बीच में 36 का भी करेंट टाइम में आंकड़ा चल रहा है। साथ ही साथ WWE कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी है, अप्रोक्स $7 बिलियन का कंपनी है पूरे WWE। तो फ्यूचर में कोई अगर ऐसा बंदा होगा जो कि WWE कंपनी को खरीद ले AEW कंपनी को खरीद ले तो शायद फिर से मर्ज हो सकता है दोनों कंपनी पर। हाँ करेंट टाइम में इसका कोई प्लान नहीं है, और मेरे ख्याल से विंस मैकमहन या फिर AAA साथ में जाके ऐसा बोलने नहीं वाले हैं AEW कंपनी को कि आ जाओ मेरे साथ कोलैब कर लो, ये नहीं होने वाला कभी WWE के अंदर। नेक्स्ट ये सवाल बहुत सारे लोग एक्चुअली में मेरे से पूछते हैं कि भाई आप 2K23 गेम क्यों नहीं खेलते, इसका लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करते। तो भाई मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ, भाई आप लोग बस सिर्फ मुझे कुछ टाइम दे दो, आई थिंक 3 से 4 महीने आप लोग मुझे टाइम दे दो, 2K23 गेम मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट सवाल YPJV गेमिंग की तरफ से निकल कर सामने आता, जिनका सिंपल ये सवाल है WWE का सबसे फनी कैरेक्टर आखिर कौन सा है। भाई करेंट टाइम में तो मुझे WWE के सबसे फनी कैरेक्टर मिज लगते हैं, मिज सबसे फनी कैरेक्टर भी करेंट टाइम में WWE के। हाँ अगर आप लोग ऑल टाइम का जानना चाहते हो तो मेरे ख्याल से R2 तो कैरेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा फनी एक्चुअली है WWE के। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सोनिया के तरफ से निकल कर सामने आता, जिनका सिंपल ये सवाल है क्या सार्लेट फ्लेयर जो है जॉन सिना का रिकॉर्ड तोड़ने वाले, जो कि जॉन सिना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। तो भाई देखो जो भी मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा सारा बात अनफिल्टर्ड यहाँ पर होगा, डायरेक्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो भाई देखो जिस तरह से इंडिया के अंदर नेपोटिज्म होता है एक्चुअली WWE कंपनी के अंदर उसी तरह से नेपोटिज्म होता है। खुद ही सोचो सार्लेट फ्लेयर से एक्चुअली बहुत सारे अच्छे अच्छे फीमेल रेसलर है WWE के अंदर, जिनको हर बार WWE चैंपियनशिप बेल्ट के लिए मौका नहीं मिलता पर हर बार सार्लेट फ्लेयर को ही मिलता है। जहां बात आते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने की, तो भाई देखो आप लोग ऑलरेडी आप लोग सारे लोग को पता होगा कि अभी सार्लेट फ्लेयर 5 से 10 साल WWE कंपनी के अंदर अभी रहने वाली है। तो आप ये बात 100% कंफर्म मान लो कि बहुत ही जल्द सार्लेट फ्लेयर जॉन सिना का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख जाएगी आपको WWE के अंदर। हाँ मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ, आप लोग याद रखिएगा जैसे बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म होता उस तरह से WWE कंपनी के अंदर भी एक्चुअली में होता है, क्योंकि हमारी जो सार्लेट फ्लेयर वो एक्चुअली रिक फ्लेयर की बेटी, इसलिए हर बार सार्लेट फ्लेयर को मौका दिया जाता है WWE कंपनी के अंदर। ऐसा बात नहीं कि सार्लेट फ्लेयर बहुत कमाल की एक रेसलर है। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा ही कमाल का सवाल निकल कर सामने आता है सिनेमा बॉय की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है क्या रोमर एज कभी AEW कंपनी के अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले मेरा बात को समझो, WWE के अंदर जितने भी रेसलर सारे रेसलर AEW कंपनी के अंदर आखिर क्यों जाते हैं। जनरली इसके पीछे करीब 2 से 3 रीजन होता है। सबसे पहला रीजन ये होता है अगर वो रेसलर को WWE कंपनी के अंदर अच्छा अगर पुश नहीं मिल रहा इसलिए किसी और कंपनी के अंदर वो चले जाते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे डीन एम्ब्रोस होगा, उनको WWE कंपनी के अंदर ना ही अच्छा पैसा मिल रहा था ना ही अच्छा उनको पुश मिल रहा था इसलिए AEW कंपनी के अंदर वो चले गए। नेक्स्ट अगर एक और रीजन के बारे में बात करें तो WWE के अंदर एक्चुअली बहुत सारे रेसलर को फायर किया जाता है अपने कंपनी से इसलिए AEW कंपनी के अंदर वो उनको फिर जाना होता है। भाई अगर आप लोग रोमर एज की तरफ देखते हो तो रोमर एज के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है WWE कंपनी को छोड़ने का अभी भी और कभी भी नहीं है ऐसा, क्योंकि सबसे पहला चीज रोमर एज का जो बुकिंग होता है WWE के अंदर सबसे टॉप लेवल का होता है। सेकंड रोमर एज WWE के अंदर सबसे हाईएस्ट पेड रेसलर के लिस्ट में आता है, अभी करंट टाइम उनको $5 मिलियन मिला WWE के अंदर, तो कोई पैसा का कोई इशू नहीं है यहां। थर्ड WWE कंपनी कभी भी अपने कंपनी से रोमर एज को फायर नहीं करने वाली है, तो फिर वो रोमर एज का AEW के अंदर जाने का कोई भी चांसेस नहीं बचता। भाई आई थिंक आप लोग सारे लोग को कंफर्म हो गया होगा कि रोमर एज कभी भी AEW कंपनी के अंदर नहीं जाने वाले हैं, भले ही आपको रोमर एज रॉक जैसा हॉलीवुड के अंदर आपको जाते हुए दिख सकते हैं पर हाँ किसी और कंपनी के अंदर कभी भी नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है अतीफ गेमिंग की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है हु इज बेस्ट मिस्टर रेसलमेनिया, शॉन माइकल या फिर हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। देखो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि भाई सेथ रॉलिंस एक्चुअली बहुत कमाल के रेसलर हैं, ब्रॉक लेसनर के बाद मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट सेथ रॉलिंस को ही करता हूं एक्चुअली WWE के अंदर। भाई आप कभी भी शॉन माइकल जैसे ग्रेटेस्ट रेसलर का कंपैरिजन नहीं कर सकते यहां पर सेथ रॉलिंस के साथ। भाई शॉन माइकल जितना दिन तक WWE के अंदर एक्चुअली रेसल किए भाई अभी तक उतना एज भी नहीं हुआ होगा सेथ रॉलिंस का, अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूं 30 साल से करीब शॉन माइकल रेसलिंग कर रहे हैं एक्चुअली रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। और सेथ रॉलिंस का अगर हम लोग एज का बात करें तो करंट टाइम में सेथ रॉलिंस का एज अप्रोक्स 36 ईयर है। तो मेरे ख्याल से कभी भी आप WWE के अंदर ये सब बड़े लेजेंड रेसलर के साथ आप कंपैरिजन सेथ रॉलिंस का नहीं कर सकते। सेथ रॉलिंस को मैं पर्सनली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं पर हां शॉन माइकल नेक्स्ट लेवल के रेसलर है एक्चुअली WWE के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है माइटी गेमर की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि AJ स्टाइल का मनी इन द बैंक जीत सकते हैं WWE के अंदर। तो भाई देखो करेंट जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली में सेथ रॉलिंस जो है वो मनी इन द बैंक इस बार का जीतने वाले हैं, सबसे ज्यादा चांसेस सेथ रॉलिंस का बताया जा रहा है। रही AJ स्टाइल की बात तो भाई करेंट टाइम में AJ स्टाइल का जो भविष्य है WWE के अंदर बहुत ज्यादा खतरे में। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से 1 या 2 साल तक आपको AJ स्टाइल के हाथ में एक भी चैंपियनशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता आसिन की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि इस बार का रेसलमेनिया के अंदर एक्चुअली सबसे बेस्ट मैच कौन सा होने वाला है। देखो नो डाउट रेसलमेनिया के अंदर सबसे जो बेस्ट मैच होने वाला है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में होने वाला, सबसे इंटरेस्टिंग मैच भी रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का ही होने वाला है। वैसे अगर आपका सवाल रेसलिंग वाइज है तो सबसे कमाल का आपको मैच देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेमस वर्सेस गुंथर के बीच में ट्रिपल थ्रेड मैच जो होने वाला आईसी चैंपियनशिप बेल्ट के लिए वो मैच देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई एक्चुअली जो मैच रेसलमेनिया के अंदर होने वाला है ट्रिपल थ्रेड मैच होने वाला, इसके अंदर जितने भी अपोनेंट है सारे अपोनेंट एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक। अगर रेसलिंग वाइज जाना चाहते हो तो सबसे कमाल का आपको मैच देखने को मिलेगा गुंथर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस
सेमस का मैच। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने आता आशीष गेमर की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू का सबसे बेस्ट फिनिशर मूव आखिर कौन सा है। देखो एक्चुअली में आरकेओ हो गया, फिर स्टोन कोल्ड का स्टनर हो गया, ये सब सारा फिनिशर मूव है, कोई भी सिग्नेचर मूव नहीं है एक्चुअली। तो करेंट टाइम में मेरा जो सबसे फेवरेट सिग्नेचर मूव है जो कि देखने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, वो रोमन रेंज का एक्चुअली में सुपरमैन पंच। हाँ मुझे पता, अगर आप लोग को नहीं पता तो एक्चुअली में रोमन रेंज पूरा अच्छा तरह से सुपरमैन पंच कनेक्ट नहीं करते यहाँ पर अपने अपोनेंट पर, बस ऐसे ही फेक होता है। एक्चुअली में इसे देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो भी इसके ऊपर है मैंने डाला। नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता ध्रुव के तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है फिंड वर्सेस अंडरटेकर का मैच होगा तो कौन जीतेगा, ज्यादा डरावना एक्चुअली में कौन सा है। देखो एक्चुअली में डब्ल्यू के अंदर अंडरटेकर का जो कैरेक्टर है ज्यादा डरावना भी था, ज्यादा खतरनाक भी था, ज्यादा अच्छा भी। अगर आपने अंडरटेकर का पुराना मैचेस देखा हो तो भाई अंडरटेकर एक्चुअली में मैच के अंदर मर के उसको जिंदा हो जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग सारे लोग अंडरटेकर का पुराना वाला मैचेस देख सकते हो, उसके अंदर आपको बहुत क्लियर तरीके से पता चलेगा। भाई अगर हम लोग फिंड का बात करें तो भाई हमें आज तक खुद ही नहीं पता चला फिंड का कैरेक्टर आखिर है क्या, डब्ल्यू वाले ने खुद से ही कभी भी रिवील नहीं किया। यही वो कारण है ब्रे वाइट का मैच भी ऑलमोस्ट इस बार के रेसलमेनिया के अंदर कैंसिल होने वाला है। ब्रे वाइट आई थिंक डब्ल्यू कंपनी से फायर भी होने वाला है। अगर आपका ये सवाल है दोनों में से एक्चुअली सबसे बेस्ट कैरेक्टर किसका है, तो मैं नो डाउट यहाँ पर अंडरटेकर का ही नाम लूंगा। वैसे हाँ अगर आप लोग के माइंड में कोई अगर सवाल आ रहा होगा तो भाई सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका सवाल मैं 100% पिक करने वाला हूं। मेरे वीडियो जितने भी देख रहे हैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपके मन में भी कोई अगर सवाल है तो भाई सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है रेसलिंग बॉय की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है क्या जिंदर मालो फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। अगेन इस क्वेश्चन का भी सेम ही आंसर होने वाला है। एक्चुअली देखो इंडियन रेसलर को सबसे पहला चीज ये है बहुत अच्छा रेसलिंग एक्चुअली नहीं करने आता। इंडिया का भी जितने भी रेसलर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक्चुअली बहुत अच्छा सबका माइक स्किल भी नहीं, बहुत अच्छा सबका रेसलिंग स्किल भी नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बॉलीवुड जैसा नेपोटिज्म भी होता है, यहाँ बहुत सारे रेसलर को एक्चुअली मौका नहीं दिया जाता। वैसे भाई ये बात मैं 100% आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, जिंदर माल आपको फिर से डब्ल्यू के अंदर कभी भी चैंपियन बनते हुए नहीं दिख सकते। इनका जो भी एक एरा था एक बार बन गए जो कि काफी था। भाई आप खुद सोचो एजे स्टाइल हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, ये सब बहुत कमाल कमाल के रेसलर जिनके हाथ में एक भी चैंपियंस बेल्ट नहीं है, तो भाई जिंदर माल कहां से बन जाएंगे। वैसे शायद एक दो दिन में इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरा डिटेल में शॉर्ट्स वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा मेरा मेन चैनल। उदय की तरफ से दो दो सवाल निकल कर सामने आता, सबसे पहला इनका ये सवाल है न्यूडे वर्सेस उसोस, तो भाई करेंट टाइम में उसोस ही विनर होंगे, उसोस बहुत कमाल के टैग टीम करेंट टाइम में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका सेकंड सवाल है फाइव ड्रीम मैचेस आपको कौन कौन सा है डब्ल्यू लीग के अंदर। भाई देखो बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ मैं अपना पर्सनली मैं दो तीन आपको ड्रीम मैचेस बता सकता हूँ आज के इस वीडियो के। तो सबसे पहला जो मेरा ड्रीम मैच है वो ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का मैच मुझे एक बार और देखना है डब्ल्यू लीग के अंदर, कभी भी हो पर हाँ एक बार मुझे जरूर देखना, क्योंकि मैं पर्सनली ये चाहता हूँ जब पूरा रेवलरी खत्म हो तो इसके अंदर एट लास्ट ब्रॉक लेसनर विन करते हुए दिखे रोमन रेंज से, मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ। सेकंड जो मेरा ड्रीम मैच है शायद थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ डब्ल्यू लीग के अंदर हमें देखने को मिल सकता है डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंज के बीच में एक सिंगल मैच। आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता होगा करेंट टाइम में डीन एम्ब्रोस एडब्ल्यू कंपनी के अंदर है, पर हाँ कभी ना कभी डब्ल्यू लीग के अंदर जरूर वो आएंगे बार। और एक बार फिर से मैं लाइफ के अंदर मैं डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंज का सिंगल मैच मैं देखना चाहता हूं। इसके बाद थर्ड जो मैच है जो कि सबसे ज्यादा मेरा ड्रीम मैच था ब्रॉक लेसनर वर्सेस स्टोन कोल्ड का मैच, जो कि इस बार का रेसलमेनिया के अंदर एक्चुअली में होने वाला है, पर यहां पर स्टोन कोल्ड ने मना कर दिया ब्रॉक लेसनर के साथ एक्चुअली मैच रेसल करने के लिए, इसलिए मैच इस बार का रेसलमेनिया के अंदर हमें नहीं देखने को मिला। और शायद ये मेरा ड्रीम मैच ही एक्चुअली में रह जाएगा, क्योंकि शायद हमें डब्ल्यू लीग के अंदर ये मैच फिर से कभी भी डब्ल्यू लीग के अंदर एक्चुअली हमें नहीं देखने को मिला। वैसे मैं एक पोल डालूंगा अपने चैनल के ऊपर, उसके अंदर सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कम्युनिटी टैब के अंदर कि आपका ड्रीम मैच कौन सा। हाँ इस वीडियो का कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ आप लोग क्यू एन ए के लिए कमेंट कीजिएगा, आप लोग कोई और फालतू कमेंट नहीं कीजिएगा प्लीज। इसका नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता रोशन की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि मैट रिडल का कब डब्ल्यू लीग के अंदर एक्चुअली रिटर्न होने वाला है। करेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग रॉ आफ्टर रेसलमेनिया जो होने वाला उसके अंदर आपको मैट रिडल का रिटर्न देखने को मिलेगा डब्ल्यू लीग के अंदर। मतलब आई थिंक आप लोग को सिर्फ और सिर्फ दो वीक आपको वेट करना, आपको मैट रिडल डब्ल्यू लीग के अंदर फिर से आपको देखने को मिल सकता है। मैं फिर से सारे लोग को बोल रहा हूँ अगर आपका कोई भी सवाल है आज की क्यू एंड ए वीडियो के अंदर, तो भाई सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्यू एंड ए वीडियो के अंदर आपका सवाल जरूर से पिक किया जाएगा। सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज हमारे चैनल के ऊपर क्यू एंड ए वीडियो देखने को मिलता है, तो भाई सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग सारे लोग कुछ और भी क्यू एंड ए वीडियो हमारे चैनल का देख सकते हो, क्योंकि भाई सारे क्यू एंड ए वीडियो एक्चुअली बहुत कमाल का हमारे चैनल का।